अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम्स है, एंड अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ है, अगर आप ऐसे में कोई भी पार्लर, कोई भी सलून पे जाओगे तो आपको सजेस्ट करेंगे या बोटॉक्स या फिर हेयर पे केराटिन करवा लो, जिसकी वजह से आपके बाल स्मूथ, शाइनी एंड काफ़ी हद तक सिल्की हो जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है उसके पीछे हज़ारों रुपये का खर्चा आता है। इवन ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसको मैनेज करने के लिए शैम्पू, हेयर सीरम, इसके खर्चे अलग से। अगर मैं बोलूं कि आप बोटॉक्स एंड केराटिन घर पे कर सकते तो, और वो भी बहुत ही मामूली खर्च में, तो ये बात है ना मजे की। तो चलते हैं हमारे DIY की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि घर पे बोटॉक्स करने के लिए आपको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बालों में बोटॉक्स करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ओनली 4 इंग्रेडिएंट की। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी मीन शहद। शहद के अंदर अमिलियंट एंड हमेक्टेट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके बालों को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, साथ ही आपके बाल को सिल्की स्मूथ एंड शाइनी बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाने वाली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जब किस काल के ऊपर कोई भी तरह का इन्फेक्शन, इचिंग होना, डेंड्रफ होना, उसको खत्म करने में हेल्प करती है। इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है बनाना मीन्स केला। केला के अंदर होते भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स, जो हमारे बालों के लिए एक सुपर फूड का काम करते हैं। ओनली केले को ही अगर आप बालों के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है, आपके बालों के ऊपर जो मॉइस्चर था उसको लॉक करने का काम करता है। साथ ही बनाना आपके बालों के ऊपर हेयर स्ट्रेटनिंग का भी काम करता है। इवन अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी तो डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए भी बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको तीसरे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी, जो है कैस्टर ऑयल मिस एरेंडी का ऑयल। कैस्टर ऑयल मिस एरेंडी का ऑयल हमारे बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है, साथ ही सुपर हाइड्रेटिंग रखने का भी काम करता है, हमारे बालों की जो रूट थी उसको स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी तो उसको खत्म करने में भी मदद होगा। इसके अलावा हमारे बालों को स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी बनाने में हेल्प करता है, जो भी हमारे बाल बीच में से डैमेज हुए थे उसको रिपेयर करने का भी काम करता है। साथ ही अगर आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम थी तो उसको एक खत्म करके आपके बालों को एक्सट्रीमली नरिशमेंट देने का भी काम करता है। इसके अलावा जो हमारा चौथा इंग्रेडिएंट है वो है दही। आपको यहाँ पे यूज करना है खट्टी दही का। दही के अंदर पाया जाता है विटामिन, प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स, जो हमारे बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देने का काम करता है। दही हमारे बालों को स्मूथ बनाता है, मैनेजेबल बनाते हैं और साथ ही बाल को शाइन देने का भी काम करता है। अब बात करते हैं आपको बोटॉक्स पैक को किस तरह से बनाना है। आपको एक लेना है मिक्सी का जार, उसके अंदर आप ऐड करोगे एक पका हुआ बनाना। बनाना को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और उसको मिक्सी के जार के अंदर ऐड करें, और उसी जार के अंदर आपको ऐड करना है 5 चम्मच खट्टी दही। मिक्सी जार को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और आप नोटिस करोगे ओनली कुछ ही सेकेंड्स के अंदर एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार होगा, और इस पेस्ट को आप कोई भी बाउल के अंदर निकाल लें। इसके बाद इस बाउल के अंदर आपको ऐड करना 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और 2 चम्मच शहद। चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आप नोटिस करोगे चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक स्मूथी जैसा बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार होगा, और इस पेस्ट को आपको पूरे अपने हेयर के ऊपर अप्लाई करना है। इसको जो अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह से आप अपने बालों में कलर करते हो, हिना लगा, तो उसी तरह से आप बालों को थोड़े थोड़े पार्ट में अप्लाई करोगे, साथ ही अपने बालों पे कंघी को भी घुमाते जाओगे। इसी तरह से आप पूरे बाल के ऊपर इस पैक को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद कम से कम इस पैक को अपने हेयर के ऊपर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप चाहो तो इसको 1 घंटे से भी ज़्यादा रख सकते हो। इसके अंदर कोई भी तरह के केमिकल ना होने की वजह से अगर आपने इसको लंबे टाइम तक भी अपने बालों के ऊपर रखा तो भी आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब भी आप अपने बालों को वॉश करो तो आप यहाँ पे बहुत ही माइल्ड शैम्पू का यूज करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आंवला रीठा शिकाकाई के शैम्पू का यूज करें। आंवला रीठा शिकाकाई का शैम्पू किस तरह से बनाया जाता है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। इस पैक को लगाने के बाद आप ओनली एक ही बार अपने बालों को वॉश करोगे तब नोटिस करोगे आपके बालों को बहुत ही ज्यादा स्मूथ, सिल्की एंड शाइनी बनाएगा, साथ ही आपके बालों के ऊपर एक अलग ही हाइड्रेशन का एक लेयर आ जाएगी, साथ ही जो आपके डैमेज बाल थे उसको रिपेयर करने का काम करेगा। अगर आपके स्कैल्प में आपको इचिंग होती थी तो इसको खत्म करेगा, साथ ही अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी तो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसके अलावा अगर आपके बाल बीच में से टूटते थे
आपके बालों की टूटने की प्रॉब्लम को खत्म करेगा। आपकी स्प्लिट इन की प्रॉब्लम थी उसके खत्म करके आपके बाल को स्ट्रेंथ देने का भी काम करेगा। और इस मैजिकल बोटॉक्स मास्क की खास बात यह है कि एक यूनिसेक्स है, मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो इस पैक को वीक में एक बार या फिर वीक में दो बार भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट इसको 10 दिन में एक बार अपने बालों के ऊपर जरूर अप्लाई करें, जिसकी वजह से आप इसके अच्छी तरह से फायदे उठा सके। अगर आपके भी बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है, आपके बाल बहुत ही ज्यादा रफ है, बहुत ही ज्यादा कर्ली है, तो इस पैक को एक बार जरूर अप्लाई करें। इसको लगाने से आपके बाल को फायदे फायदे मिलेंगे। अगर आपको मेरा DIY पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।